अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफी के वीडियो सबसे पहले। रमेश देओ एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता थे जिन्होंने अपने लंबे करियर में 200 से अधिक प्रदर्शनों के साथ 285 से अधिक हिंदी फिल्मों और 190 मराठी फिल्मों और 30 मराठी नाटकों में काम किया। रमेश देओ का जन्म 30 जनवरी 1929 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। उनकी पुश्तैनी जड़े राजस्थान के जोधपुर से है। उनके पिता कोल्हापुर के जज थे। उनके पूर्वज कोल्हापुर चले गए क्योंकि उनके परदादा और दादा दोनों इंजीनियर थे। उन्होंने जोधपुर पैलेस का निर्माण कराया था। उन्हें छत्रपति साहू महाराजा ने कोल्हापुर शहर बनाने के लिए बुलाया था। उनके दादा साहू महाराज के चीफ इंजीनियर बनने के लिए नीचे आए और उनके पिता उनके कानूनी सलाहकार थे। उनकी शुरुआत 1951 की मराठी फिल्म पाताले चिपोर में एक कम्मे के रूप में हुई थी। रमेश देओ ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत राजा परांजपे द्वारा निर्देशित मराठी फिल्म अंधाला मक्त एक डोला 1956 से की थी। उन्होंने खलनायक के रूप में शुरुआत की। उनकी पहली हिंदी फिल्म राजश्री प्रोडक्शंस की आरती 1962 थी। अपने लंबे करियर में उन्होंने राजेश खन्ना आनंद, आपकी कसम, शत्रुघ्न सिन्हा, मेरे अपने और कई अन्य सितारों को सक्षम समर्थन प्रदान किया है। जनवरी 2013 में उन्हें 11वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। उन्होंने साल 2006 में मराठी सीरियल निपडुंग में काम किया था। देव का विवाह प्रसिद्ध अभिनेता सीमा देव से हुआ था। उनके बेटे अजिंक्य देव प्रसिद्ध मराठी अभिनेता और अभिनय देव प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक है। 2 फरवरी 2022 को 93 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में उनका निधन हो गया। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आप अगर इसे बायोग्राफी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाने मत भूलिए क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे वीडियो लाऊंगा।